ट्रस्टी महोदय जी के पास में आए हैं, तो ट्रस्टी महोदय जी से बात करते हैं। आपका शुभ नाम? गणपत सिंह है मेरा नाम, यहाँ व्यवस्था में लगा हुआ। अच्छा, आपका गणपत सिंह जी, आपका कैलाश माहेश्वरी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आप हमें इस जगह के बारे में, मंदिर के बारे में जानकारी दीजिए। मंदिर में अभी जो आप दर्शन कर रहे थे वो शिवलिंग है, वो शंभू है जी, और पास में गंगा कुंड है जी, एनी टाइम 2 फुट पे पानी रहता है जी, और आगे हनुमान जी जी, तीनों तीन प्रकृति के जी स्थापित की हुए नहीं है जी, और सावन भाद्रवे में 2 महीने भीड़ ज़्यादा रहती है जी, और जो भी श्रद्धा है जी लोगों की बहुत भगवान के प्रति, माँ खोड़ेश्वर महादेव के प्रति बहुत है जी, भीड़ हमेशा 2 महीना बहुत ज़्यादा रहती है जी। श्रावण और भाद्रवे में, श्रावण और भाद्रवे में मेला लगता है जी, सोमवार को दिन जी पब्लिक बहुत ज़्यादा रहती है जी। तो श्रावण और भाद्रवे में भीड़ यहाँ पे ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये जिला मुख्यालय से कितना दूर होगा? ये है 80-85 किलोमीटर है जालौर से। अच्छा, जिला मुख्यालय जालौर से 80-85 किलोमीटर की दूरी से करीबी है। सुंदा माता से मतलब 12-13 किलोमीटर है। अच्छा, सुंदा माता जी से जो तीर्थ स्थान है सुंदा माता, वहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पे है जी। और यहाँ से शॉर्टकट पड़ता है, लेकिन वो हमारे एरिया का आदमी होता था आपको लेके जाता। 8 किलोमीटर ही है जी, सुंदा माता पीछे है और कोरेश्वर महादेव आगे जी। तो ये जो पहाड़, ये पहाड़ी के पीछे सुंदा माता जी का मंदिर है जी, और सुंदा माता का यहाँ से 8 किलोमीटर पीछे है जी, और ये कोरेश्वर महादेव 8 किलोमीटर आगे बैठे जी जी। तो अभी हमने ट्रस्टी महोदय जी से इस मंदिर के बारे में जानकारी ली, और ये सुंदा माता के जो पर्वत हैं उससे 8 किलोमीटर की दूरी पे और 22 सड़क जाएंगे पूरा सुंदा माता का ही है। तो यहाँ से करीब 13-14 किलोमीटर, 13-12-13 किलोमीटर पड़ेगा। और यहाँ पे मंदिर का जो पूरा ये प्रांगण है, आपको दिखा देते हैं मंदिर का व्यू, और ये सामने सुंदर पर्वत है। तो अभी